नमस्कार, आज के इस वीडियो में अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर अक्टूबर मंथ में जो बड़े अपडेट सामने आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे अपडेट हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर आप पता लगा सकते हैं कि अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कितनी गति के साथ डेवलप हो रहा है। और इन पूरे अपडेट्स में आपकी नौकरियों से रिलेटेड अपडेट होंगे, जो नए नए टेंडर ओपन हुए हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर उनसे रिलेटेड अपडेट होंगे, और जिन परिवारों ने अपनी जमीन इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर दी है वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सर्विसेज गवर्नमेंट ने दी है, क्या क्या फैसिलिटी दी है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको यही बता देता हूँ कि सेप्टेम्बर मंथ में भी मैंने अपडेट दिया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को खत्म करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई आइकन में लास्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। पहला अपडेट 29 सितंबर को निकलकर सामने आया है, स्क्रीन पर आ रहा है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं। #NHSRCL ने बुलेट ट्रेन परियोजना के अधीन प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इनकम रिस्टोरेशन प्लान परियोजना का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत परियोजना प्रभावित परिवारों को विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में निःशुल्क, इस पर ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार बिल्कुल सकारात्मक सोच रही है इन लोगों को लेकर। जिन भी लोगों की ज़मीनें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अधीन में गई हैं उन लोगों को और उनके परिवारों को एक प्रशिक्षण, मतलब एक एजुकेशन दी जाएगी, और फिर उस एजुकेशन, उस प्रशिक्षण के आधार पर उनको जॉब्स भी ऑफर किए जाएंगे। मतलब जिन लोगों की ज़मीन जा रही है, एक तो उनको मुआवजा भी मिल रहा है, दूसरे उनके परिवारों के सदस्यों को नौकरियाँ भी दी जा रही हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है, और भारत में शायद यह पहली बार ऐसा हो रहा है। तो जो परिवारों की ज़मीनें गई हैं उनकी सोच सरकार के प्रति सकारात्मक होगी, और इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर वो शायद काफ़ी उत्साहित भी होंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की ओर। 30 सितंबर को निकलकर सामने आया, इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बुलेट ट्रेन परियोजना से प्रभावित लोगों में विभिन्न प्रकार की शंकाएं थी, मतलब कन्फ्यूजन था, लेकिन NHSRCL अधिकारियों द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान सहायता एवं सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान किया गया। मतलब जिन लोगों की ज़मीनें इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जा रही थी वो शायद कन्फ्यूज थे, वो शायद थोड़े नेगेटिव थे, लेकिन जब NHSRCL के अधिकारियों ने उनको बताया, उनको फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो वो पॉजिटिव हुए। यह सब आप एक वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जिन लोगों की ज़मीनें गई हैं उनमें से एक परिवार इसके बारे में क्या सोचता है। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। घर पैसा मळशे એનું એનું અમે સારું એક ઘર લઈશું અને સારી રીતે તૈયાર રહીશું। અમને કોઈ જાતની તકલીફ નહીં થઈ, એમના સાસ સરકાર રીતે અમે સારી રીતે એમના જોડે સમજણ કરી, એમને સારી રીતે અમને પ્રોત્સાહન આપ્યું, અમને સારી રીતે સમજાયું એ કંપનીએ, અને સારી રીતે અમને વળતર મળે એવી રીતે અમને સમજાયું। થોડું દુઃખ ભી થાય છે, પણ સરકાર જે કરી રહી છે એ અમારા સારા માટે જ કરી રહી છે, અમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે જ કરી રહી છે, અને એમના કરવાથી એ સારું થશે, એટલે ગુજરાત સારું વિકસિત થશે। तीसरा अपडेट जो निकलकर सामने आया है वो 3 अक्टूबर का है, इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, #NHSRCL has opened technical bids for 3 tender of the #MAHSR project। These tenders cover the construction of viaduct between बापी एंड बड़ोदरा एंड बिटवीन बड़ोदरा एंड अहमदाबाद, इंक्लूडिंग 5 stations, namely बापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच एंड आनंद। मतलब गुजरात में जो 237 किलोमीटर का एरिया है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 3 टेंडर ओपन हुए हैं। बहुत बड़ा अपडेट है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि 3 टेंडर अगर ओपन हुए हैं तो इसका मतलब है कि जमीन पर अब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आपको बहुत तेजी के संग उभरता हुआ सामने नजर आएगा। और जो 3 टेंडर हैं ये गुजरात के हिस्से में आते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 स्टेशन इसके अधीन में बनाए जाएंगे, 28 रेल ब्रिजेस बनाए जाएंगे, ट्रेन डिपोर्ट बनेगा सूरत में। तो ये सारे 237 किलोमीटर के एरिया में बनेंगे, और इनका इनके लिए टेंडर भी ओपन हो चुका है। अब हम बात करते हैं चौथे बड़े अपडेट के बारे में। चौथा बड़ा अपडेट जो सामने निकल कर आया है उसमें लिखा हुआ है, टू मेक वे द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वेरियस टेलीकॉम यूटिलिटीज इनफ्रीजिंग विद द #MAHSR अलाइनमेंट हैव बीन रीअलोकेटेड। दीज टेलीकॉम यूटिलिटीज बिलोंग टू द रेलवेज एज वेल एज सेवरल अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स। मतलब काफी सारे ऐसे, जिसको हम टावर बोलते हैं, नेटवर्क टावर, ऐसी चीजें, टेलीकॉम रिलेटेड चीजें बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रही थी, इसलिए उनको रीअलोकेट किया गया। ये जो टावर थे या फिर जो भी इनसे रिलेटेड चीजें थी वो रेलवे को बिलोंग करती हैं, या तो फिर अदर टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे जियो, एयरटेल, इनको बिलोंग करती हैं, तो उनको रीअलोकेट किया गया। अब हम बढ़ते हैं पांचवें अपडेट की ओर। पांचवा अपडेट भी 4 अक्टूबर को सामने आया था, इसमें लिखा हुआ है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द
#MAHSR project the travel between the Mumbai and Ahmedabad will be the brought down to the under 2 hours, which otherwise by road is around 8 to 9 hours and by plane it is 4 to 5 hours. तो इनका मतलब साफ है, अगर आप बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई जाओगे तो आप मात्र 2 घंटे में पहुंचोगे, अगर आप अपने व्हीकल से जाओगे तो 8 से 9 घंटे लगेंगे, और अगर आप बाई एयर मतलब बाई प्लेन जाओगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, उसमें आपका चेक इन, बोर्डिंग, ये सब, लैंडिंग, टेक ऑफ टाइम सब उसमें इंक्लूड किया गया है। तो मतलब साफ है कि बुलेट ट्रेन से आपके समय की भारी बचत होगी। अब हम छठवें अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छठवां अपडेट 5 अक्टूबर को निकलकर सामने आया, उसमें लिखा हुआ है फॉर द फास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 463 किलोमीटर लॉन्ग वाइडक्ट ऑफ मुंबई अहमदाबाद #HSR कॉरिडोर फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड, मतलब एक मेथड है जिसको हम शॉर्ट में FSLM भी बोलते हैं, विल बी यूज 30-40 meters लॉन्ग प्री कास्ट बॉक्स टाइप ग्रिडर विल बी यूज विद विच विल अकोमोडेट डबल ट्रैक, मतलब कि डबल ट्रैक बनाने के लिए 30 से 40 मीटर का एक बॉक्स होता है जिससे एक साथ आप दोनों तरफ के ट्रैक बना सकते हो। तो ऐसी फैसिलिटीज का उपयोग किया जा रहा है, ऐसी सर्विसेज का उपयोग किया जा रहा है जिससे यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो डक है, मतलब जो बाईडक जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में पटरियां बोलते हैं, वो आसानी से बिछ पाएं और जल्दी बिछ पाएं। आगे का हम अपडेट के बारे में बात करते हैं। आगे का अपडेट 7वां जो अपडेट है वो 6 अक्टूबर को निकलकर सामने आया है। इसमें लिखा हुआ है अंडर द यूटिलिटी शिफ्टिंग वर्क ऑफ द #MHSR डीजल पाइपलाइन एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हैज बीन रीअलोकेटेड टू मेक वे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अहमदाबाद #HSR स्टेशन दैट विल कम अप फॉर द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म 10, 11, 12 इंडियन रेलवे। इस अपडेट से आप साफ समझ गए होंगे कि अहमदाबाद में जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनना है उसमें एक डीजल पाइपलाइन रास्ते में आ रही थी तो उसको रीअलोकेट किया गया। तो इससे साफ है कि अब अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो बहुत तेजी के साथ और बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। अगला अपडेट जो निकलकर सामने आ रहा है वो 7 अक्टूबर को आया है, इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। द ड्राइविंग केबिन ऑफ बुलेट ट्रेन विल बी इक्विप्ड विद सेवरल डिस्प्ले यूनिट दैट एक्ट एज मैन मशीन इंटरफेस विच हेल्प्स एट सेफ एंड पल्चुअल रनिंग ऑफ द ट्रेन। देयर आर डिवाइसेस इन ड्राइवर केबिन थ्रू विच ड्राइवर कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद द ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर। मतलब साफ है भैया कि जो अभी हमारे इंडियन रेलवे की जो देसी ट्रेन है उनमें जो हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती, जो हाईटेक फैसिलिटी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, जिनकी वजह से ट्रेनें बहुत लेट चलती हैं, ये सब हमें बुलेट ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा। इन ड्राइवरों की सहायता से दुर्घटना से तो बचा ही जाएगा, उसके साथ साथ पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत बढ़िया स्टेप है, इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी बुलेट ट्रेन में सफर करने के लिए। अगला अपडेट 8 अक्टूबर को सामने आया, इसमें लिखा हुआ है NHSR invites bids for design and construction अहमदाबाद एंड साबरमती HSR स्टेशन एंड 18 किलोमीटर वाइड यूजर फ्रेंडली स्टेशन हैव बीन प्लान टू इंश्योर सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्लीज मोर लिंक में आपको नीचे दे दूंगा अगर आपको इस बारे में और जानना है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अहमदाबाद में और साबरमती में जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बनना है उसके लिए टेंडर ओपन हो गए हैं और 18 किलोमीटर का बाईडक मतलब 18 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन का ट्रैक भी इसके तहत में बनेगा और इसको ऐसे बनाया जाएगा कि जो अदर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, चाहे वो आपकी मेट्रो हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे फिर आपकी कार या बाइक हो, वो आसानी से इस स्टेशन तक पहुंच सकें। अगला अपडेट 15 अक्टूबर को निकलकर सामने आया, इसमें लिखा है द माइक्रोवेव टावर एट सारापुर साइड ऑफ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हैज बीन रीअलोकेटेड टू मेक वे ऑफ #MAHSR द टावर हैड टू बी रीअलोकेट इन सिंस इट वॉज इन्फ्रीजिंग विद द पर्पज ऑफ अहमदाबाद HSR स्टेशन पार्किंग एरिया। मतलब इस अपडेट को लेकर आप समझ सकते हैं कि माइक्रोवेव टावर था सारासतपुर अहमदाबाद में, जहां पर अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनना है उसके पार्किंग एरिया में वो अड़चने पैदा कर रहा था, तो उसको रीअलोकेट कर दिया गया सक्सेसफुली। तो ये बहुत बड़े बड़े अपडेट हैं, इनसे एक चीज हमें पता लगती है कि वास्तव में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्दी हमें जमीन पर दिखेगा ऑपरेशनल लेवल पे। अगला अपडेट 17 अक्टूबर को निकलकर सामने आया, इसमें लिखा हुआ है मेनी ऑफ अस मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड एयर प्रेशर ड्यूरिंग एयर ट्रेवल ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी ऐसा होता है। सिमिलर डिस्कम्फर्ट माइट अकर इन हाई स्पीड रेल जर्नी ऑल्सो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिस्कम्फर्ट द कम्प्लीट कार बॉडी विल बी मेड एयर टाइट। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपने फील किया होगा शायद आप लोगों में जिसने हवाई यात्रा की होगी, कानों में बहुत प्रेशर आता है, कभी कभी दर्द हो जाता है जब हम टेक ऑफ या लैंड करते हैं, तो ये चीज़ें अब आपको बुलेट ट्रेन में शायद फील हो सकती थी लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। बुलेट ट्रेन की जो बॉडी है वो एयर टाइट बनाई गई है जिससे कि बाहर का एनवायरनमेंट अंदर के एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना करे। अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं, अगला अपडेट भी 17 अक्टूबर को सामने आया, इसमें लिखा हुआ है मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए क्षेत्रवासियों का नियंत्रण सहयोग भूमि अधिग्रहण के रूप में मिल रहा है। डॉक्टर देसाई एक डॉक्टर हैं जिनकी जमीन इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अधीन में गई है, उनके परिवार ने उस भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी जिस पर वह पिछले 20 वर्षों से रह रहे थे। बहुत ही इमोशनल चीज़ है, बहुत ही बड़ा मैसेज है, अगर इन लोगों ने अपनी जमीन दी है जो कि 20 वर्षों से अपना घर बनाकर वहां पर रह रहे थे, तो इस परिवार ने अपनी जमीन दी है और इसके बारे में अब आपको सुनना चाहिए। ये वीडियो आप देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
luckily we had a opportunity to travel in a bullet train in Japan. I had gone for the conference from Papua to Tokyo. We went by bullet train and we saw that the beautiful bullet train, how much advantages it will be for our country if the private becomes, because from Ahmedabad to Bombay is all commercial zone, and then traveling and making a short distance would be very advantageous. So it is a little sentimental in giving. At the same time, we are lucky, I mean, we are getting a bullet train, and I know that's going to be very useful to the country, to the business, to the hospital also, because our lots of patients are coming from all over the places. They provided us with the information, what will be like the compensation, what will be like the thing. Everybody was very polite. Whenever I called for some query, there was an immediate response. There was no hassle. And all my queries got solved and everything. Whatever we will get in compensation, we will get a new place in that much, because we are just waiting for the last section of our compensation, so that final 100%, and then immediately we will start building the house. अगले अपडेट के बारे में हम बात करते हैं. अगला अपडेट 19 अक्टूबर को सामने आया, उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल वेट्स फॉर द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 237 किलोमीटर लेंथ ऑफ द वाइडक्ट फॉर 508 किलोमीटर ऑफ MAHSR कॉरिडोर इंक्लूडिंग 4 स्टेशंस एंड सूरत डिपोट वर ओपन टुडे एंड लार्सन टर्बो लिमिटेड इज द लोएस्ट बिडर. मतलब इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप अगर इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि 237 किलोमीटर का जो टेंडर ओपन हुआ था उसका टेंडर L&T को मिला है. L&T ने लोअर बिड लगाई थी इसलिए उसको मिला है, और यह जो टेंडर था वो पैकेज C4 के तहत ओपन हुआ था. L&T ने जो उसकी कॉस्ट निर्धारित की थी वो 24,985 करोड़ रुपए रखी थी. L&T के अलावा टाटा प्रोजेक्ट एंड एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस बिड में शामिल थे, लेकिन यह जो टेंडर मिला है वो L&T को ही मिला है. L&T एक, मैं आपको बता दूं, अपनी भारतीय कंपनी है, और इस प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, भारतीय कंपनियों को ही ज्यादा काम दिया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है. और L&T को एक अब टेंडर मिल चुका है, तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि गुजरात का जो हिस्सा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का वो तेजी के संग डेवलप होगा और टाइम पर डेवलप होगा. यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम ऐसे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.